हम बनाने वाले हैं आज वेज बिरयानी। जो भी कुछ है सब निकाल दो। शेर का भी लास्ट पोस्ट निकाला है सर। वो ताया ताई होते किस लिए? ताई ने भी अजीब बनाने की चेहरे। ये धनिया हम ऐसे ही बरी बुरे काट लेंगे। वाओ अरोमा यार। ये साला चिकन और मटन को तो मैं मरने के बाद असल में जिंदा करता हूँ। सबसे पहली लेयर हम यहाँ पे डालेंगे चावल। इसमें ऐड होगा गुलाब जल। लोएस्ट फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ये दम पे जाएगी। बीयर खिला किसी भी छोटे बच्चे को मेरा चैनल फॉलो ना कराए ना। सो हियर यू गाइस कैन हैव अ लुक एट दिस बिरयानी। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कलाकांडी सीजे। हम बनाने वाले हैं आज वेज बिरयानी। और वो वेज बिरयानी ना वेरी रॉन्ग, मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ। एक बहुत ही स्पेशल शेफ बनाने वाले हैं जिनके खाने की मैं तो बड़ी बड़ी फैन हूँ। माहौल बन चुका है किचन में काम करने का और अब मैं मिलाती हूँ मेरे म्यूजिकल शेफ से मिस्टर ल्यूक। हेलो जो भी कुछ है सब निकाल दो। दिस मैन इज सो म्यूजिकल। इन्हें खाते हुए भी म्यूजिक चाहिए, बनाते हुए भी म्यूजिक चाहिए, इन्हें सब कुछ करते हुए म्यूजिक चाहिए। कैन नॉट लिव विदाउट इट। बनाने क्या वाले हैं आज? बनाने वाले हैं जी हम सोया चाप बिरयानी। आज घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं होने वाला क्योंकि जनाब कुछ वेज बनाने जा रहे हैं। अदरवाइज ही डज नॉट कुक एनीथिंग वेज। ही डजंट लाइक टू ईट एनीथिंग वेज। ही इज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन इंसान। शेर कभी घास फूस नहीं खाया करते। जी की कर रहे हो? सबसे पहले तो चाप की हड्डियां निकाल रहा हूँ। चाप की हड्डियां निकाल रहे? आप बाजार से चाप लाएं और उसमें से डंडियां काट लें और उसको ऐसे किसी भी भांडे में रख लें। उसके बाद का प्रोसेस मिस्टर शेफ हमें बताएंगे। एक्चुअली माय शेफ इज टू हॉट। ही स्वेट्स अ लॉट सो आई हैड टू गेट दिस नैपकिन टू फॉर द टच अप। इच्छा मेरी बहुत दिन पहले की थी कि ये कुछ बनाए। आज उठते ही इन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया कि आज मैं तेनू वेज बिरयानी वेज चॉप बिरयानी बना के खुआ। वाह जी वाह, बड़े सुंदर चॉप किए आपने। प्रोफेशनल टमाटर हरिया मिर्चा यस अदरक मिर्चा नु कट पै रही है। मेनू बड़ा मजा आ रहा। अगे बेचारे मेरे तो कट खाते हैं तेनों तो पै रही है। तो आपने एक टमाटर ले लेना। हाँ जी एक ले लेना प्याज। ठीक है जी। और ये चाप जो हमने हड्डियों से अलग कर दी थी। हाँ जी इन लाइक पीस को हम 1 इंच 1/2 इंच इतने इतने साइज की काट लेंगे। उसके बाद ये जाएंगी मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन का प्रोसेस मैं भी बताता हूँ। ओके अभी देख मैं क्या नजारे लगाता हूँ। आय हाय एक तो कवि ऊपर से शेफ। शेफ देख शेफ चमका मार रहा है देखे नहीं जाता। लिशका दो ये भरा नहीं है। We had हरा धनिया in the house. I'll have to look. छोटी सी समस्या आन पड़ी है। मैं हरा धनिया लाना भूल गया। ये हरा धनिया लाना भूल गए हैं और घर पे हरा धनिया खत्म हो चुका है। तो ताई जी के घर जाओ। वो ताया ताई होते किस लिए? हरा धनिया पूछ के आती हूँ। आई विश मिल जाए, नहीं तो मार्केट जाना पड़ेगा यार। ये है हमारा घर और ये मैं आ गई ताई जी के घर। They have beautiful, beautiful बच्चे and they're great friends of mine. ये है रिदम और ये है आयुष। सरगम द ब्यूटीफुल किड्स। ताई जी है हरा धनिया है घर में? हाँ शायद प्लीज चेक करो। ये है न्यू की प्यारी प्यारी ताई जी। और ताई जी हरा धनिया ना बेटा ऐसी मंडी तो कहते मैं सारे दी चटनी कोटती। चलो खैर कोई नहीं आज फिर मंडी जाना पड़ेगा। ओ धनिया की प्रॉब्लम तो सॉर्ट नहीं हुई, वो तो उसके लिए मार्केट ही जाना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन। तो चलिए चल के मैं ये खुशखबरी देती हूँ। सॉरी यार धनिया नहीं मिली। ताई ने भी अजीब बनानी की चटनी। ताई ने चटनी कुट दी आज होती। न्यू किज ऑफ टू गेट हरा धनिया। मुझे करने हैं बिरयानी के लिए प्याज फ्राई। सी गाइस इट्स क्वाइट ग्रेट इन कलर। सोना बड़ा सोना। इसमें मार रही हूं डन। ये धनिया हम ऐसे ही बड़े बड़े काट लेंगे। व्हाट नेक्स्ट? अब शुरू करते हैं मैरिनेशन की प्रक्रिया। अच्छा जी ये हमने लिए आधा किलो चना। आधा किलो? हाँ हाँ जी। इसे हमने थोड़ा थोड़ा करके काट लिया है 1 इंच पौने पौने इंच। ठीक है इसे हम सारी को एक बाउल में डाल देंगे। ये हमें इसे करना है मैरिनेट। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हाँ जी। 1/2 टीस्पून टर्मरिक हल्दी के बीच में जितना है तत्ता मसाला गरम मसाला 1 चम्मच ये लाल मिर्च लिया है हमने
साथ में लिया हमने एक टीस्पून नमक राइट और साथ में लिया चंकी चाट मसाला ओके कोई भी फ्रूट चाट मसाला आप यूज कर सकते हैं ऑल राइट हालांकि इसे हम बाद में डालेंगे ठीक है पहले हम इसके बीच में सीखते हैं ये एक टमाटर हमने बड़ा बड़ा काटा हुआ है राइट ठीक है जी हम इसमें सीट देंगे राइट फिर हमने एक प्याज काटा हुआ है हाँ जी इसको भी हम इसमें सीट देंगे ठीक है ये जितना धनिया है ये सारा इसमें डाल देंगे हम ठीक है इसको भी इसमें सीट दो ये हरी मिर्च आपने बचा लेनी है ठीक है ये आपके चावलों के साथ चलेगी ठीक है और ये जो मेरी अनुपस्थिति में आपने प्याजों को ऐसे तड़फड़ने तला है इसको हमने सबसे ऊपर रखना है हाँ। ये तो छोटा नहीं है ये दे चुपा सारे मल्ले दी बना इसमें पूरे मोहल्ले की भी बना सकता हूँ और इसमें हमने अभी सिट्टा है चापे सिट्टी है हड्डियों से अलग करके बीच में सिट्टा है टमाटर एक प्याज टमाटर मीडियम प्याज बड़ा एक धनिया थोड़ा सा और सिट्टे है ये प्याज फ्राई हुए हुए ये सारे मसाले जो हमने आपको बताए थे धनिया पाउडर हल्दी गरम मसाला लाल मिर्च देगी मिर्च ते लून ते बिच में है चंकी चाट फ्रूट चाट मसाला कोई भी ये सारे इसमें सीट देंगे मैरिनेशन बहुत ही उत्तम बनाएगा हाँ। ये वही है ये हम सबका प्यारा दही है यस तो 2 टेबलस्पून के आसपास हमें यूज करना है तो मतलब बेसिकली अंदाजे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके अच्छे से मिला लेंगे चाप के दाने दाने में आपने इसमें जो भी मसाले यूज किए हैं वो अच्छे से मिल जाए घुल मिल जाए घुल मिल घुल मिल घुल मिल लांडा घुल मिल घुल मिल घुल मिल घुल मिल लांडा घुल मिल घुल मिल हमारी चांपे बिल्कुल तैयार है मैरिनेशन के बाद हमारी चांपे बिल्कुल हमारी चांपे नहीं हमारी सोया चांप हमारी चांपे ठीक है 35 to 40 minutes के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे तब तक हम अपने चावलों की तैयारी कर लेते हैं ये अलग पकेंगे चावल अलग पकेंगे बिरयानी का प्रोसेस यही होता है ये आधा किलो से थोड़े से ज्यादा चावल मतलब आप मान लीजिए ये कौन से चावल है 600 ग्राम के आसपास बासमती है बासमती चावल बताना चाहिए अच्छे शेफ को लॉन्ग ग्रेन चावलों की ही बिरयानी बनती है छोटे चावलों की सिर्फ खिचड़ी बना सकते हो आप ठीक है जो चावलों के लिए मसाले लिए हैं वो है 2 to 3 तेज पत्ते ठीक है जी 6 to 7 लौंग जी थोड़ा सा जीरा शाही जीरा दालचीनी यहाँ पे हमने लिया है ये हमारे पास साबुत नहीं थी हमने पीस ली थी हाँ तो थोड़ी सी पीसी हुई ली है अदरवाइज आप 1 to 1.5 inch के आसपास दालचीनी इसमें डालें जी 3 छोटी इलायची है जिन्हें हमने छील लिया है ठीक है जी 1 बड़ी इलायची है राइट ठीक है जी तो इसके अलावा आप एक लेंगे पतीला चावलों के लिए हाँ जी जिसमें आप खुले पानी में इन्हें उबाल लेंगे ओके और उबालना इनको चावलों को पूरा नहीं है पूरा नहीं पकाना में 80% के आसपास चावल पकना चाहिए ओके थोड़ा सा मतलब किनारे कच्चे रहने चाहिए चावलों के ठीक है उसके बाद बाकी का जब हम बिरयानी को दम में लगाएंगे उनमें खुद ब खुद दम आ जाएगा क्या बात है पतीला गैस पे रखते गैस ऑन करते ये सब इसमें डालते इसी में हम मोटी हरी मिर्च काटी थी हाँ जी हाँ जी इसको इसी में डाल देंगे चावलों में और गैस को करते तेज और करते एक बॉयल आने का एक बॉयल आने के बाद इसमें चावल डालेंगे ठीक है डन जी देखिए 5 to 7 minutes हमें इसे रखे को हो गए हैं इट्स बॉइलिंग पानी में हमारे बॉयल आ गया वाओ अरोमा यार खुशबू आ रही है इसमें अपने चावल पा देंगे सारे पाट देंगे इसको खुले में ही पकाना अच्छा बॉइल करना है बॉइल करना है इसको 80% के आसपास पकाया जाएगा चावल राइट थोड़ा कच्चा रहेगा कला कंडी सीजे 2 चम्मच क्यों पाता है छोटे छोटे घी के डाल देंगे वाह भाई वाह ताकि चावल खिला खिला रहे और जुड़े नहीं है ना यस आई नो मैं ठोक के ये बात कहना चाहता हूँ कि मुगलई क्विजीन में हाँ जी मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता ये साला चिकन और मटन को तो मैं मरने के बाद असल में जिंदा करता हूँ बकरे को मरने का स्वाद आ जाता है इतना जबरदस्त बनाया जाता हूँ बीच बीच में मैंने चेक करते रहेंगे कि पूरे ना पके 80% के आसपास पकने चाहिए तो इन्हें हम सिर्फ 5 मिनट देंगे 5 मिनट बाद हम दोबारा चेक करेंगे ओके हमें रखे हुए हो चुके हैं 35 मिनट्स हाँ जी अराउंड है ना हाँ तो अब हम क्या करेंगे तब तक वो बोलते हैं अपन इसको पका लेंगे ठीक है 100 to 150 ग्राम तेल लेंगे वही जिसमें हमने प्याज फ्राई किया उसी तेल में से चांपो को डाल देंगे कोई मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैरिनेशन के टाइम हमने सब कुछ इसमें डाल चुके हैं हम ओके तो है इसकी सिर्फ पकने की बात इस प्रकार सारी चाप कढ़ाई में सॉट दी जाए यहाँ से हमें चाप को सिर्फ 10 मिनट के आसपास पकाना है हाँ जी ताकि हमारा मसाला सारा भून जाए हाँ एक कड़ा चिकन और इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट
ज्यादा नहीं करना आपको सिर्फ ये 25 ग्राम है ओके इतना ही बहुत है अपने को ठीक है जी। फाइनली इधर मैंने चावल स्ट्रेन कर दिए हैं एंड दे लुक अमेजिंग एंड द स्मेल वाओ ऑलमोस्ट हमें 10 मिनट हो चुके हैं एंड वो 2 मिनट और होने हैं क्योंकि मुझे कोई कोई चीजें ना कच्ची नजर आ रही हैं तो ये कभी फिटे मुंह जब तक नहीं हो जाता मैं तब तक रुकूंगा नहीं। शाम हमारे ऑलमोस्ट पक चुकी है जी सारे मसालों ने तेल छोड़ दिया आप देख सकते हैं। अभी हम करेंगे बिरयानी के लेयर लगाने का काम ओके तो अब हम शुरू करते हैं बिरयानी की लेयर लगाना ठीक है जी। सबसे पहली लेयर हम यहाँ पे डालेंगे चावल क्या सिंपल है चावल एकदम गर्म होना चाहिए आपका लेयर लगाने के लिए वी डोंट नीड टू ग्रीस दिस कढ़ाई नो चाहे तो गैस बंद भी रख सकते हैं लगा देंगे एक लेयर चाप की ये हमारी एक लेयर एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल डालेंगे थोड़ा सा क्रश अनियन यस थोड़ा सा लवली 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 धनिया इट्स ब्यूटीफुल आई एम श्योर The same process, no? Same. It's the same process. ये लग गई दूसरी लेयर. Second layer of our. चाव. ये लग गई थी मरी. Second layer. बचपन तो. कदे मोटर ते चली मेरे नाल ओते वेखी किदा बनदा खाना. अच्छा मन ला के तो गई नहीं कदी तो मेनू किदा पता लगू किदा बनदा खाना. ओते तेनू किथे लग जावा. सबसे मेन चीज मेरे लाल इसके बिना कोई भी बिरयानी तैयार नहीं होती हाँ जी वो है केवड़ा वाटर अगर आप इसमें फूड कलर ऐड करना चाहें जैसे एक रेगुलर बिरयानी में डलता है जी तो ये केवड़ा वाटर के अंदर ही फूड कलर मिलाएं हाँ जी और इसे पूरी बिरयानी में थोड़ा थोड़ा डाल दें हो चुकी है तैयारियां फिर लास्ट में क्या कर रहे हो आप ये क्या है इसके किनारों पे हल्का हल्का घी लगा दें इन चावलों के ना प्राउड हुआ आज ये भी कहेंगे वाह यार सही बंदे के हाथ में पड़े हाँ। तो किसी ने मूंगी की दाल डाल खिचड़ी बना दी ये क्यों ये ढकना होता है दम पे जाने के लिए ताकि स्टीम कहीं से भी निकले ना तो कोई भी कॉटन का कपड़ा ले राइट उसको इस पे पूरी तरह सेट करते हैं बस अब इसके ऊपर थाली दे देंगे इसके ऊपर थाली और ये चली जाएगी दम पे लगाना है इसे लोएस्ट फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ये दम पे जाएगी जी और इसमें दम आ जाएगा समझ लो दमदार बिरयानी बनेगी हाँ फुल ऑफ प्रोटीन है ढक्कन लगा दिया गया है इसके ऊपर कोई वेट रख दीजिए तो पानी का जग लटरा पटरा खुद बैठ जाओ ये देखिए ये रखता है पानी का जग 10 मिनट के लिए हम रखेंगे इसे यस दम पे सो पहले 30 सेकंड में से फुल फ्लेम पे एक बार सेक लगवाऊंगा ताकि स्टीम बन जाए देन इट विल स्टे ऑन द लोएस्ट फ्लेम यस ये 10 मिनट बहुत है उसके बाद खोलो खाओ मजे मनाओ और मैंने तो ये बीयर भी लग रही है बेटे चलो तो 10 मिनट बाद हम खोल चुके हैं वाओ It's hot. It seems hot. चावल आया. हाँ जी. टेस्ट बहुत अच्छा रहा. वाह. तो मैं तो इसे खाने लगा हूँ तो अपना ब्लॉग खुद देखा भी तो मैं भी खाऊंगी मैंने क्या देखना है इसका बन गई है. This was my today's video with Nuke and with this chaap veg chaap biryani. I hope you guys enjoyed the recipe. आप भी बनाएं और खिलाएं अपने घर वालों को. अब हम भी मजा लेने वाले हैं. बहुत देर हो गई है. अब सबर नहीं हो रहा. अब हम खाने लगे हैं. See you guys in the next video. इससे पहले ये कुछ और बनाए देख लो यार. इधर लोग पीछे से बैठे. मैं ना अपना चैनल शुरू करूंगा. पहले तो मुझे जब जब करो. एक सेकंड. हाँ ठीक है सुन लो. पहले तो मुझे ये बताओ मैं अपना चैनल शुरू करूँ. मैं तो मोटर तो यह चीजा बना बना खवाड़िया ने ना. ये सच है. मेरे चैनल पे गा बोल गिव अ पोल गिव अ पोल गिव अ पोल. किसी भी छोटे बच्चे को मेरा चैनल फॉलो Keep subscribing, keep supporting.